हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने कांग्रेस के आपसी फूट पर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में कांग्रेसियों के बीच एकता कायम करने में राहुल गांधी नाकाम हो रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी के कड़े निर्देशों के बावजूद हरियाणा कांग्रेस के नेता सार्वजनिक सभाओं में आपसी फूट को उजागर करते आए हैं। कहा कि आज सभी कांग्रेसी बस के अंदर सवार होकर के निकले हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी का जो मंसूबा है इनके नेताओं को एक करके चलने का, वो पूर्व में भी नाकाम हुआ। जींद के उपचुनाव में आपने देखा कि कांग्रेस के कुछ धुरंधर इकट्ठे होकर के रणदीप सिंह सुरजेवाला का नॉमिनेशन फाइल करवाने के लिए गए थे, लेकिन कुछ लोग तो उस दिन भी नदारद थे और बाकी जो लोग भी गए थे धीरे धीरे करके जींद से खिसक लिए। आज भी ये जो राहुल गांधी जी के निर्देश के बावजूद उनके प्रभारी ने जो हरियाणा में इन नेताओं की बस की को झंडी दिखाई, उस बस में ना ही तो रणदीप सिंह सुरजेवाला सवार है, ना ही कुलदीप बिश्नोई सवार है, ना ही कुमारी शैलजा सवार है। यानी कि आपस में जो इनकी एकता का जो सूत्र पिरोने की जो बात थी, वो आज पहले ही दिन उसमें पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी नाकाम हुई।